जय माता की। दोस्तों कैसे हो आप सब? दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ माँ काली को लौंग बतासे का भोग लगाने से आपको कौन सी शक्ति जल्दी प्राप्त होती है, और उसके साथ साथ यदि आप लोग माँ काली को लौंग बतासे का भोग लगाते हैं या सुबह लगाते हों या शाम को, जिस भी टाइम आप माँ काली को लौंग बतासे का भोग चढ़ाते हैं, तो उन व्यक्तियों को ये शक्तियाँ ज़रूर प्राप्त होती है जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। उन शक्ति के नाम भी बताऊँगी, उन शक्ति के धाम भी बताऊँगी। तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जैसा कि भक्तों, जो माँ काली के भक्त हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, माँ काली के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आप एंड तक देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा। जब आप आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाएंगे, आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो आपके 0% भी समझ में नहीं आने वाला है। तो जितने भी भक्त हैं जो माँ काली को लौंग बतासे का भोग लगाते हैं, उन सभी को कुछ ये शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो मैं इसमें वीडियो में बताऊँगी। तो क्या आप लोग भी माँ काली को लौंग बतासे का भोग लगाते हैं? तो कमेंट करके पहले मुझे ज़रूर बताएंगे कितने लोग हैं जो कि माता काली को लौंग बतासे का भोग चढ़ाते हैं सुबह शाम, जब जब आप चढ़ाते हैं, पर चढ़ाते हैं लौंग बतासे का, तो आप लोगों को सबसे पहले नंबर पर कौन सी शक्ति प्राप्त होती है? आप जब जब माता काली को लौंग बतासे का भोग चढ़ाते हैं तो आपको सबसे पहले माता काली की शक्ति नहीं प्राप्त होती। क्यों? क्योंकि सबसे पहले माता काली आप लोगों को अपनी योगिनी शक्ति देती है, ठीक है। 64 योगिनी जो है माता की, उनमें से एक शक्ति आपको माँ काली दे देती है। क्यों दे देती है? क्योंकि आपको कल को रास्ते बीच में कोई भी ऐसी बात हो तो वो योगिनी शक्ति आपकी सदैव रक्षा करती है, आपके सारे काम सिद्ध भी करती है। तो सबसे पहले आपको माँ काली की शक्ति तो नहीं प्राप्त होती, सबसे पहले योगिनी की शक्ति प्राप्त होती है। जब आप अपनी कंटिन्यू पूजा पाठ करते रहते अपनी पूजा पाठ को छोड़ते नहीं है, जैसे आप पहले से करते आए हैं मन लगा के दिल लगा के, वैसे ही आप कंटिन्यू करते रहते हैं, तो आप लोगों को माता काली की शक्ति जब प्राप्त होती है, सबसे पहले आपको योगिनी शक्ति मिलती है, फिर उसके बाद आपको माता काली की शक्ति प्राप्त होती है। जब माता काली की शक्ति प्राप्त हो जाती है आपको, तो वहीं से आपकी शुरुआत हो जाती है। मेरा कहने का मतलब है कि जब माँ काली की शक्ति आपको प्राप्त होगी तो और भी देवी की शक्ति आप लोगों को प्राप्त होने लगती है, क्योंकि शुरुआत जो करती है माता काली से होती है, योगिनी से नहीं होती। पहले आपको सबसे योगिनी मिलती है, फिर माँ काली मिलती है, फिर काली माँ के बाद आपको कौन सी देवी की शक्ति प्राप्त होती है जब आप माँ काली को लौंग बतासे का भोग लगाते हैं? देखिए, माता काली की पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को जो माँ काली को भोग लगाते हैं लौंग बतासे का, उन लोगों को तीसरे नंबर पर माँ दुर्गा की शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। क्योंकि माँ दुर्गा ने ही माँ काली का रूप धारण किया था, तो ये शक्तियाँ जो हैं एक साथ ही साक्षात विराजमान रहती हैं। जब आप माँ काली को लौंग बतासे का भोग लगाते हैं तो माँ दुर्गा भी आपकी पूजा पाठ में आती हैं। तो माँ दुर्गा के नाम का भी एक लौंग बतासे का भोग जरूर चढ़ाया करें, क्योंकि ये शक्ति भी आपको प्राप्त हो जाती है। और चौथी जो शक्ति है जो आपको प्राप्त होती है, वो कौन सी शक्ति है? चौथी शक्ति होती है माता मशानी की, पाँचवीं शक्ति होती है माता कालका की, छठवीं शक्ति जो होती है वो होती है माँ वैष्णो रानी की, सातवीं जो शक्ति होती है वो होती है माँ शेरावाली की, आठवीं जो शक्ति होती है वो होती है माँ मेरी बंगलामुखी की, दसवीं जो शक्ति होती है, नौवीं जो शक्ति होती है वो होती है माँ ज्वाला की, दसवीं जो शक्ति होती है वो होती है माँ चामुंडा की। ये शक्तियाँ आप लोगों को गारंटी के साथ प्राप्त होती है जब आप माँ काली को लौंग बतासे का भोग लगाते हैं तब। अभी शक्ति आपको कैसे प्राप्त होती है, क्यों होती है, लौंग बतासे का भोग लगाने से प्राप्त होती है? नहीं,
ये शक्ति आपको स्वयं माता काली ही प्रदान कराती है जब आप माँ काली को लौंग बतासे का भोग लगाते हैं। अब ये जो शक्तियाँ मैंने 10 शक्ति आप लोगों को बताई हैं, इन 10 शक्तियों को ही लौंग बतासे का भोग भी लगाया जाता है। अब कुछ लोग हैं जो माताओं को तामसिक रूप में पूजते हैं, कुछ लोग हैं जो माता को सात्विक रूप में पूजते हैं, सब अपने अलग अलग हिसाब से पूजते हैं। तो जो जो मैंने आपको शक्ति बताई है, ये शक्ति तो आपको गारंटी के साथ प्राप्त होती है। माँ काली, योगिनी, दुर्गा, सारी के नाम मैंने आपको बता दिया है। तो जब ये शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी तो सपने के माध्यम में इन सभी के धाम आपको दिखने लगे करेंगे, इनकी मूर्त दिखने लगे करेगी, इनके मंदिर जहाँ जहाँ पर हैं, हिमाचल प्रदेश में चामुंडा मंदिर है और बगलामुखी माता का भी मंदिर है, ये सब मंदिर खुद आपको सपने में दिखने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप सभी को समझा दिया है, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव, जय माता की।